29 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां रवाना। डिंपल यादव, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल, सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कश्मीर में सेना की तैनाती में कमी करके देशद्रोह कानून को बदलना चाहती है कांग्रेस, हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले। चीनी मिल बिक्री मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चीनी मिल बेचने का फैसला हमारा नहीं कैबिनेट का था और नियम अनुसार की गई है इनकी बिक्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार, ग्रामीण जनता से की मुलाकात, कहा जनता और किसानों को हित करना ही असली राष्ट्रवाद। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम खत्म हो गया। सभी दलों के शीर्ष नेताओं समेत पार्टी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चौथे चरण में कुल 8 राज्यों की 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चरण में करीब 12,79,00,000 मतदाता 945 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चौथे चरण में 7,49,00,000 पुरुष मतदाता हैं, 6 करोड़ से अधिक महिला मतदाता इस चरण में वोट डालेंगी। 71 सीटों में बिहार की 5, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 7 और झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 29 अप्रैल को शाहजहांपुर में होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। जिले में वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। लोकसभा में 14 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला हो रहा है। ये पोलिंग पार्टीज को हम लोग 1-1.5 बजे तक रवाना करने का लक्ष्य है, क्योंकि संभावित है कि आज काफी ज्यादा हवा चलने की भी प्रेडिक्शंस हैं, तो हम लोग इसकी भी इंतजाम हम लोगों ने किया है। और सभी पोलिंग पार्टी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम रन आउट हो चुका है और मुझे लगता है कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिस्पैच करा पाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस मौसम से बिना डरे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग घर से बाहर निकलें और अपने मत का उपयोग करें। पुर में कल मतदान के लिए यहाँ आज पोलिंग पार्टी निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो मतदान कर्मियों को जो सुलभ हो और सुविधा हो उस तरह का व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दिया गया है और हमारा जो पोलिंग पर्सनल है अपना मटेरियल वगैरह ले रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हमारा पोलिंग पार्टी निकलना शुरू कर देंगे। हरदोई और मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश के साथ पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में इस बार लगभग 17,94,142 मतदाता भाग लेंगे, जबकि मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लिए इस बार लगभग 17,79,700 मतदाता अपने मताधिकार का 29 अप्रैल को प्रयोग करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है। चुनाव संपन्न कराने के लिए दिव्यांग मतदान कर्मियों के लिए दिव्यांग मित्र की व्यवस्था की गई है। दोनों लोकसभा क्षेत्रों को मिला करके मैं आपको कम्बाइंड फिगर बता देता हूँ। पूरे जनपद में जिसमें 8 विधानसभाएं हैं और 2 लोकसभा का क्षेत्र यहाँ लगता है, यहाँ के लिए कुल हमें 30 कंपनी को प्लाटून CPMF इंक्लूडिंग PAC मिली है, जिसमें से 26 कंपनी प्लाटून का हमने EVM सुरक्षा और बूथ स्ट्रेंथनिंग में हमने उसको इस्तेमाल किया है। बाकी जो हमारे पास 4 कंपनी PAC की थी वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगाई। इसके अलावा बाहर और अंदर बाहर से लाया गया फोर्स और जो हमारे जनपद का अपना फोर्स है उसमें से तकरीबन 491 सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर लगाए गए हैं। प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और 17वीं लोकसभा के चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कश्मीर से सेना की तैनाती में कमी और देशद्रोह जैसे कानून को बदलना चाहती है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की और कहा कि आपके वोट से देश मजबूत होगा।
कमल के सामने बटन दबाएंगे तब भ्रष्टाचारी कांपने लग जाएंगे। आप जब कमल के बटन दबाएंगे दुनिया में देश का जय जयकार बढ़ जाएगा। आप जब कमल के बटन दबाएंगे तो देश मजबूत होने की गारंटी ले जाएगा। और आप जब कमल को वोट देंगे ना तब आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी नरेंद्र मोदी को नीच नहीं कहा। उन्होंने कहा गठबंधन की सफलता से भाजपा बौखला गई है जिसके कारण कई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने चुनाव के दौरान चीनी मिल बिक्री मामले का मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल बिक्री में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, यह कैबिनेट का फैसला था और यह स्थापित नियमों के तहत ही किया गया था। कन्नौज में जो ये कहा है कि मुझे पिछड़े वर्ग का होने की वजह से हमारे विरोधी लोग मुझे नीच समझते हैं और मुझे बहनती व अखिलेश ने भी नीच कहा है जो उन्होंने अपने भाषण में बोला। जो इनका यह आरोप काफी शरारतपूर्ण जबकि हमने इनको कभी भी नीच नहीं कहा है बल्कि इनको पूरे सम्मान के साथ पूरे आदर सम्मान के साथ बल्कि इनको पूरे आदर सम्मान के साथ हमने इनको ऊंची जाति का ही होने का बताया। तो भला फिर इसमें इनके लिए नीच कहने वाली बात कहां से आ गई। सर उत्तर प्रदेश में अब चीनी मिलों के विक्रय के विषय में भी सीबीआई द्वारा जांच के मामले को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बसपा शासनकाल में कौड़ियों के दाम बेची गई 21 चीनी मिलों में बरेली की नेकपुर चीनी मिल भी शामिल थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने पर नेकपुर चीनी मिल कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद जगी है। कभी यहां हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते थे, उनके परिवार को रोजी रोटी का जरिया यही मिल थी। कभी इस चीनी मिल को लक्ष्य से अधिक उत्पादन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन इसे घाटे में दिखाकर बसपा सरकार ने इसे औने पौने दामों में बेच दिया। योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया। एक बार जब इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है तो लोगों को न्याय की आस बंधी है। बंद होने की तो वजह ऐसी ही रही है, एकदम बंद कर दी तुम साम लेबर के ताई पैसा दे दिया सबके लिए, पैसा दे के एकदम से माल सब काट दिया तुम साम। बस ये हुआ। पहले कम से कम 4-5 हजार आदमी, 5-6 हजार आदमी, अब तो साहब कम से कम 4-5 आदमी है, 5-6 आदमी, 3 आदमी रात को है, 3 आदमी दिन को है। करीब 100 रुपया महीना मिलता था तब से है। क्या वजह रही बंद होने की? और बंद होने के कारण इसमें 5 यूनियन था, यूनियन के नेता लोगों ने सब ऐसे करा है, पैसे सब मारे गए हम लोग का। अब इसमें क्या कहा जाए साहब, हम लोग को पैसा मिल जाता तो हम लोग अपना खाली करके अपने घर द्वार चले जाते। नहीं उम्मीद तो है ये नहीं। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं छोटा सा विराम। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर। चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ DDUP पर रोजाना शाम 4 बजे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल बस्ती में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की आने वाली सरकार में कश्मीर में धारा 370 और 35A समाप्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की समस्याओं के लिए सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले संगठनों से कोई बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की राय को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के बारे में भी कहना चाहता हूं 2 शब्दों में। मेरा भाइयों, जम्मू कश्मीर 3-3.5 वर्षों में जाने वाला, इस देश का मैं सर्वाधिक जाने वाला मैं गृहमंत्री, मैंने दिल खोल कर रखा है।
जो भी मुझसे बात करना चाहता है मैं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पाकिस्तान के हिसारे पर कुछ बड़े बड़े वहां पर संगठन काम करते हैं, और यहां तक अभी हाल में आपने सुना होगा वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया भारत में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक जम्मू कश्मीर का और शेष भारत का। कैसे कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि वो समय आ गया है धारा 370 और 35 ए जिसके कारण जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है, अब उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्या इस धाराओं के कारण जम्मू कश्मीर को लाभ मिला है या नहीं मिला है? जरूरत पड़े तो इसको समाप्त कर देना चाहिए धारा 370 और 35। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बिना मांगे कांग्रेस को 10 साल तक समर्थन देती रही। केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा बसपा का कुशासन प्रदेश की जनता ने समाप्त किया था। आतंकवाद भी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये कहने वालों को जनता ने नकार दिया है और उपेंद्र रावत को वोट देकर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या प्रदेश की सरकारें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मीडिया ने पूछा सरकार कैसे कार्य करेगी, तो मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति किसी परिवार किसी जाति किसी मत और किसी मजहब के लिए नहीं, भारत के गांव के लिए, भारत के गरीब के लिए, भारत के किसान के लिए, भारत के मजदूर के लिए, भारत के नौजवान के लिए, भारत की महिलाओं के लिए और भारत की 125 करोड़ जनता की उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगी, उनके जीवन की खुशहाली के लिए कार्य करेगी। अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने अयोध्या में भाजपा नेता लल्लू सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं उनके पास न नेता है न नेतृत्व है और न ही देश चलाने के लिए विजन है। कई विरोधी आपस में इसलिए मिल गए हैं जो किसी तरह मोदी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ियां केवल स्वर्ग से बनकर नहीं आती हैं, कुछ जोड़ियां मोदी के डर से भी बनती हैं। वहीं रायबरेली के बचरावा में कल अनुप्रिया पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगे। कहने आई हूं कि इतने सालों से आप हर 5 साल में जब वोटिंग मशीन का बटन दबाते हैं तो अपनी किस्मत से खिलवाड़ करने के लिए दबाते आए हैं, लेकिन कम से कम इस बार जब आप वोटिंग मशीन का बटन दबाइएगा। ने गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि जितने लोग इनकी जनसभा में ये देश को जाने का सुझाव है। उन्होंने निषाद परिवार से अपने रिश्तों को गहरा करते हुए कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और हम आपसे भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं। ऐसी तो हमारी नुक्कड़ सभा, इतनी भीड़ उनकी रैली में नहीं आ रही है। और अभी हमारे सोनकर जी कह रहे थे वो वोट मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं एमपी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं तो एक मंत्री को वोट मांग रहा हूं। छोटे भाई सोनकर जी, ईश्वर ने चाही तो मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। मित्रों, ये चुनाव किसी को एमपी बनाने का और बिगाड़ने का नहीं, ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने का बिगाड़ने का भी नहीं है। सही माने में ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। समाचार अभी और भी हैं, मिलते एक विराम के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। राहुल गांधी ने आज जहां अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसभा को संबोधित किया, वहीं अपनी मां के क्षेत्र रायबरेली में भी मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। मैं न्याय योजना लेकर आया हूं जो हर गरीब को 72,000 रूपये साल में देगी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 22 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी दी जाएगी। वहीं 10 लाख युवाओं को पंचायतों में नौकरी देने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कराए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इस चुनाव में मेन बात यह है कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, मगर जो उन्होंने वायदे किए 15 लाख रुपए देने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों को सही दाम देने की बात, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे। मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहे। और देश समझना चाहता है कि चौकीदार जी ने जो वायदे किए थे, बेरोजगारी की बात, किसानों को सही दाम, 15 लाख की बात, देश सुनना चाहता है कि 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने ये काम क्यों नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी गेस्ट हाउस में जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहीं अमेठी विधानसभा के कई गांवों में पहुंचकर किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से उनका हालचाल जाना। इस दौरे में उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता बहुत स्वाभिमानी है, मैं 12 वर्ष की उम्र से यहां आ रही हूं और अमेठी की जनता को अच्छी तरह से जानती हूं। इस अवसर पर उन्होंने अन्ना जानवरों के मुद्दे को उठाया तो वहीं प्रधानमंत्री की जाति के विषय पर भी अपनी राय स्पष्ट की। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का आदर होना चाहिए, यही राष्ट्रवाद है। चुनाव के मुद्दे हैं वो स्पष्ट हैं, आपको मैं बता चुकी हूं। रोजगार, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हैं मुद्दे, ठीक है। और राष्ट्रवाद यही होता है कि जो जनता की समस्याएं उनको हल करा जाए, जनता की सुनवाई हो, क्योंकि ये देश जनता का है, लोकतंत्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है कि जनता का आदर किया जाए। प्रियंका गांधी ने कल बाराबंकी में कांग्रेस के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए और भाजपा सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के यूपी बोर्ड के शिवम कुमार और तनुज विश्वकर्मा को टॉपर बनने की बधाई भी दी। प्रियंका गांधी ने जनसभा के बाद हाजी वारिस अली की मजार पर चादर चढ़ाकर कांग्रेस की जीत की दुआ मांगी। कांग्रेस महासचिव ने तनुज पुनिया के पक्ष में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तमाम दुखों और मुसीबतों से उन पर बोझ लगा हुआ है और सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। इसी तरह से जब मैं नौजवानों से मिलती हूँ तो नौजवान मुझे बताते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार ने पिछले 5 सालों में उनके लिए कोई रोजगार नहीं बनाया, किसानों के लिए पैसे नहीं है, आपकी समस्याओं को हल करने का समय नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरा करने का समय नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों, बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपतियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरा समय है। उनका नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने बाराबंकी का नाम रोशन किया, शिवम कुमार जो द्वितीय स्थान पे आए और तनुजा विश्वकर्मा जो तृतीय स्थान पे आई, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज प्रेस के माध्यम से राम मंदिर पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि इन्होंने जो राम के साथ वादा किया था वो अभी पूरा नहीं किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदू चाहते हैं कि यह मामला आपसी सहमति के आधार पर तय किया जाए। सभी संतों ने
इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ बीजेपी को और मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद सौंपा था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। लेकिन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की। 3 बार 3 तलाक पर अध्यादेश आया, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं आया। मैं आपके सामने ये वचन देता हूं कि मैं तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से, तमाम मुस्लिम पक्षकारों से, संतों के साथ मिलकर के भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत का एक भी मुसलमान, भारत का एक भी मुस्लिम उलेमा, भारत का एक भी किसी भी मसलक का मौलाना राम मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है। लेकिन वो आपसी सहमति से बैठ करके हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए इस मसले का समाधान चाहता है। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। मौसम और माहौल सियासी है, इन सब के बीच इत्र के कारोबारियों की कुछ मांगे हैं। उनकी क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक शहर कन्नौज, जहां अपनी सियासी खासियतों के लिए जाना जाता है, यहां के खुशबू के काम की महक भी किसी जमाने में दूर दूर तक फैली थी। यहां तैयार की गई खुशबू का भरपूर इस्तेमाल तमाम तरह से किया जाता है, चाहे ठंडाई हो, आइसक्रीम हो, च्यवनप्राश हो, पान या दवाइयां हो, या फिर आयुर्वेद। खुशबू से जुड़ा काम यहां के अधिकांश घरों में होता है, जिनमें इत्र का काम सबसे खास है। लोगों का यहां तक कहना है कि यहां की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात है जो कन्नौज को खास बना देती है। इत्र व्यवसायियों की मांग है कि उनके जनप्रतिनिधि इस काम को मेक इन इंडिया से जोड़े, ताकि और तरक्की हो सके। मेक इन इंडिया चल रहा है, उसके ही ऊपर अगर अपने लोग ध्यान दें थोड़ा सा, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ इसके लिए कुछ वो हो ही नहीं पाया है कि कोई हम लोग अपना एक ब्रांड लेके चल पाए हूँ। इस व्यवसाय से जुड़े श्याम दीक्षित मानते हैं कि अगर क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क बन जाता तो कन्नौज में रोजगार के अवसर भी बढ़ते। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क हो, एक्सपोर्ट का फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पार्क परफ्यूम पार्क होता, बन रहा है, अगर हो जाएगा तो उससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। यहाँ व्यापारी आएंगे, एक्सपोर्ट में भी लाभ होगा, हर चीज में लाभ होगा। इसी शहर में 100 साल पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए केलकर परिवार की 5वीं पीढ़ी आज इत्र के व्यवसाय से जुड़ी है। मैं चाहूँगा ये पीढ़ी काम करे, इसमें प्रॉफिट है, अच्छा पहचान भी है, पुराना काम है दादाजी का। गुलाब जल और गुलकंद बनाने वाले कारीगर वर्षों से इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब इनकम तो बढ़ाईवे वाले बढ़ावे, हम लोग ने क्या बढ़ा, ये तो भाई हम लोग तो मजदूर आदमी चाहते हैं कि कुछ पैसा ज्यादा मिले, ज्यादा बढ़िया। प्राचीन शहर कन्नौज में एक और कला वुडन वायर जीवित है, जिसे आजकल शहर में कुछ परंपरागत कारीगर ही कर पा रहे हैं। पिताजी से सीखा था, देखते रहते थे स्कूल से आके, देखते रहते, करते रहते, करते करते करने लगे, फिर हमको प्रमाण पत्र मिला जिला उद्योग केंद्र से। कन्नौज की सियासत में यहाँ का कारीगर वर्ग अपनी अलग भूमिका रखता है, क्योंकि शहर में बना माहौल किसी के लिए भी पक्ष विपक्ष की रूपरेखा तय कर देता है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट गोमती नगर में आयोजित की गई। इस गोष्ठी में पदाधिकारियों ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यदशाओं में सुधार कर गुणवत्तापरक जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने पर विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त सेवा संबंधित समस्याओं पर भी विचार किया गया।
जब तक हम अपनी कार्यदशाओं को नहीं सुधारेंगे, सर्विस कंडीशंस को नहीं सुधारेंगे, तो नए लोग सेवाओं के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जो पुराने लोग हैं उनकी उम्र बढ़ाकर कि हम 70 वर्ष कर दें, 80 वर्ष कर दें, जीवन पर्यंत कर दें और हम उन्हें रिटायर न होने दें, ये कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। जो लोग रिटायर होना चाहते हैं अपनी अधिवर्षता आयु पूरी करके 60 वर्ष पर जाने दें। जो VRS चाहते हैं उनको, जो राज्य कर्मचारियों के लिए VRS के नियम लागू उनके तहत उनको VRS ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करें। और कैसे नए लोग इसमें आकर्षित हों उसके बेहतर उपाय करें। वाराणसी के महमूरगंज स्थित एक लॉन में स्वयं सेवी संस्था द्वारा मतदाता जागरूकता के तहत राष्ट्र निर्माण में मतदान का महत्व नामक परिचर्चा करके लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सभी से मतदान करने की अपील की, मतदाताओं को भी मतदान के महत्व को समझाया तथा उनसे दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। लखनऊ में होने वाले 6 मई के चुनाव को लेकर लोहिया पार्क में मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी सुबह जाकर इन लोगों से अधिक संख्या में निकलकर वोट देने की अपील की। मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में भी समझाया कि आपका वोट देश में बनने वाली सरकार के लिए और आपके जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एवं अपने पोलिंग बूथ प्रोत्साहित करूंगा, जिससे शत प्रतिशत मतदान का ये प्रोग्राम हम लोगों ने सुबह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का रखा है, जिसमें जो लोग यहाँ आएंगे उनको एक शपथ के द्वारा ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो आगे आने वाली जो 6 मई है लखनऊ में मतदान की तिथि, उस दिन वो अपना मतदान देंगे अपने पोलिंग बूथ पर जाकर। तो शपथ के द्वारा हम इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। लोगों को हम पंपलेट दे रहे हैं, कुछ स्लोगन हम लोगों ने दिए हैं, बच्चों को बुलाया हुआ है, बच्चे उन स्लोगन्स को लेके खड़े हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी जागरूकता के बारे में भी पता कर रहे हैं कि वो मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है मतदान, तो काफ़ी लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं कि हाँ जागरूकता से कम फ़ायदा ये होगा कि लोग एक तरीके से मतदान के प्रति अपनी जो उनकी ड्यूटी है उसको वो समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतदान करेंगे। देखिए, लोकतंत्र के लिए मतदान करना बहुत ही आवश्यक है और स्पेशली ये देखा गया है कि जो बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद हैं, यहाँ की जनता घर से निकलना नहीं चाहती है। अमूमन मतदान प्रतिशत और शहरों के मुकाबले बहुत कम है। आप बांदा देखिए, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ललितपुर देखिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लखनऊ जैसे शहरों के लिए जहाँ लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि निकले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करें। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उनतीस अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां रवाना। डिम्पल यादव, सलमान खुर्शीद, शिवप्रकाश जायसवाल, सत्यदेव पचौरी और साक्षी महाराज के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कश्मीर में सेना की तैनाती में कमी करके देशद्रोह कानून को बदलना चाहती है कांग्रेस, हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले। चीनी मिल बिक्री मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चीनी मिल बेचने का फैसला हमारा नहीं कैबिनेट का था और नियमानुसार की गई है इनकी बिक्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार, ग्रामीण जनता से की मुलाकात, कहा जनता और किसानों का हित करना ही असली राष्ट्रवाद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।